दो रहो, दो रहो, अकेले मत छोड़ना। तुम्हारा देखो कितना है उसके अंदर, कितनी देर का टाइमिंग कहा है, आओ देखें। शाबाश, मेहनत बहुत की, बहुत अच्छा। बाईस बज के 3 मिनट पे आग लगने की सूचना मिली फायर सर्विस को। फायर सर्विस द्वारा 2 गाड़ी घटनास्थल के प्रस्थान हुई। मौके पर पहुंचकर देखा कि PNB बैंक में आग लगी थी और जिसका ताला बंद था, मेन बाउंड्री वाला ताला। हम लोग कार्ड के अंदर पहुंचे, उसी समय बैंक स्टाफ भी पहुंच गए। बैंक के स्टाफ द्वारा ताले को खुलवा कर हम लोगों ने देखा कि अंदर काफ़ी हीट थी और बहुत धुआं भर गया था, उसके अंदर जाना बड़ा मुश्किल था। जिसमें फायर सर्विस के 2 कर्मचारियों द्वारा BSF पहन के अंदर घुसाया गया और अंदर पहुँच के फायर फाइटिंग पानी के वहीं निस्प्रे से उस पर पानी डाला गया, क्योंकि उसमें बैंक में काफ़ी ज़रूरी कागजात रखे रहते हैं और ज़रूरी उपकरण होते हैं और कैश रहता है, इसलिए उसमें पानी कोई बहुत सावधानी से डाला गया। थोड़ी देर बाद वेंटिलेशन किया गया, खिड़की दरवाजे तोड़ने के बाद अंदर पूरा सर्च किया गया और फायर फाइटिंग बहुत कम पानी के सीमित प्रयोग करते हुए अंदर घुस के हम लोगों ने मेन जहां पे आग लगी थी वहां पे पहुंच गए। और इस प्रकार 2 और आदमियों को BSF पहना के अंदर हम लोगों ने बैंक के अंदर घुसा दिया गया। 4 आदमी अंदर घुस के पूरी बैंक को सर्च करते फायर फाइटिंग किया। उसी समय में जहाँ पर आग लगी थी हम लोग वहाँ पर पहुँच के आग को त्वरित कार्रवाई करके बहुत समय रहते कंट्रोल कर लिया गया, जिससे कि काफ़ी जो है बैंक का जो रिकॉर्ड मुद्दा था और कैश था उसको पूर्णतः सुरक्षित बचा लिया गया। पूरे बैंक को सर्च किया गया, बाद में आग कंट्रोल हो जाने के बाद वेंटिलेशन करके बैंक के मैनेजर और एक उनके स्टाफ को लेकर भी हम लोगों ने बैंक में सर्च किया और उनके द्वारा बताया गया कि जो बैंक का कैश है वो पूर्णतः सुरक्षित है और बैंक का जो मुद्दा रिकॉर्ड होता है वो पूर्णतः सुरक्षित है। AC और कंप्यूटर और कुछ इस तरह से सामान क्षतिग्रस्त हुए हैं और पूरा अभी धुआं हीट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए पूरी तरीके से अभी सर्च नहीं हो पाया है, लेकिन इतनी जानकारी है कि कैश और रिकॉर्ड सुरक्षित है। और सर कितना देर आग बुझाने में लगी और कितनी गाड़ी कितने कर्मचारी का प्रयोग किया सर? घटनास्थल पे 4 गाड़ियां थी और 20-25 स्टाफ हमारे थे, सारे अधिकारी हमारे FSO और FSSO सब थे मौके पर, सब ने पूरी तरीके से तत्परता दिखाई, जिससे बहुत जो धन हानि को रोका जा सका, बहुत सीमित नुकसान हुआ, केवल उपकरण के नुकसान हुए। बैंक में जो बहुत कैश था, मेन ब्रांच है और बहुत रिकॉर्ड था, वो पूर्णतः सुरक्षित है और आग लगने के कारण प्रथम दृष्टया जो शॉर्ट सर्किट लग रहा है, सुबह इसका पुनः जांच की जाएगी, जिससे स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या उपकरण का नुकसान हुआ है और क्या क्षति हुई है और आग कहाँ से शुरुआत हुई है। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा सर? नुकसान तो उपकरण के और सामान के हुए हैं, कैश और उनका रिकॉर्ड सुरक्षित है। इसका सही आकलन क्षति का और आग का कारण सुबह एक बार पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत होता है।